इसमें हमने दो फ्लोर रेजिडेंशियल रखे हैं बच्चों के रहने के लिए, जो बच्चे स्पेशली बाहर से आती हैं, और दो फ्लोर पूरा उनका एकेडमिक रखा गया है, उस पर उनकी क्लासरूम्स, क्लासेस, डाउट सेशंस वगैरह रखा गया है। बाहर का कोई रेजिडेंशियल बच्चा आना चाहता है तो उसको एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट मिल सके, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कैंपस को बनाया। रेजिडेंशियल वाला पार्ट है उसमें सारा लेडीज़ स्टाफ होता है, उसमें जेंट्स की कोई एंट्री नहीं होती है, स्पेशली जाकिर नगर, बटलाव, जोगाबाई के लिए, तो ये उनके लिए एक सेफ सिक्योर और एक कम्फर्टेबल होगा। मेरी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चियाँ महफूज रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें और इतनी बोल्ड और इतनी माशाल्लाह से मजबूत बन सकें कि वो इस दुनिया को फेस कर सकें। दोस्तों, हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बेटों के साथ साथ हमारी बेटियां भी तालीम के मैदान में बहुत बेहतर करें, वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यूपीएससी में जाएं या दूसरे जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ज़िंदगी में, उन सब में वो कामयाब हों। लेकिन वालदैन इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता है कि हमारी बेटियाँ जब कोचिंग करने जाएंगी या स्कूल जाएंगी या कॉलेज जाएंगी तो वहाँ वो महफूज हैं या नहीं हैं। बहुत सारे वालदैन चाहते हैं अपनी बच्चियों को बेहतरीन कोचिंग कराएं, लेकिन वो इस टेंशन में हमेशा रहते हैं, उन्हें कोई एजुकेशन पसंद नहीं है। ऐसे वालदैन के लिए जो ये चाहते हैं कि उनकी बच्चे एक्सक्लूसिव ऐसे सेंटर पर जाएं जहां सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कोचिंग दी जाती है, ऐसे सेंटर भी अब खुलने लगे हैं। अभी मैं जहाँ पर हूँ वो सर सैद रोड है, इस्लाह मस्जिद यहीं पे है। यहाँ पे नूर नवाज़ साहब ने, इनको सब जानते हैं आप लोग, हिंद गुरु एकेडमी का एक ऐसा एक्सक्लूसिव सेंटर खोला है, कैंपस खोला है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चियों के लिए होगा। जी हाँ, इसमें पूरी की पूरी तालीम सिर्फ और सिर्फ जो ट्यूशन है वो बच्चियों को दी जाएगी, और यहाँ रहना, खाना पीना, तालीम हासिल करना सब इसी बिल्डिंग में हो जाएगा। नूर नवाज़ साहब, इस बिल्डिंग के साथ क्या कुछ एक्सक्लूसिव है? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये हमारे पास एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट कैंपस है जो सिर्फ और सिर्फ एकेडमी का है, पूरा प्रीमिसेस नीचे से लेके ऊपर तक। इसमें हमने दो फ्लोर रेजिडेंशियल रखे हैं बच्चों के रहने के लिए, जो बच्चियाँ स्पेशली बाहर से आती हैं, और वो भी रहने का इंतज़ाम बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से कोई बच्ची अपने घर में रहती है, मतलब ज़्यादा उसमें कैपेसिटी को नहीं रखा गया है, कम से कम कैपेसिटी को रखा गया है, और दो फ्लोर पूरा उनका एकेडमिक रखा गया है, उस पर उनकी क्लासरूम्स, क्लासेस, डाउट सेशंस वगैरह रखा गया है। इसमें हमारा जो रेजिडेंशियल वाला पार्ट है उसमें सारा लेडीज़ स्टाफ होता है, उसमें जेंट्स की कोई एंट्री नहीं होती है, और कोशिश ये भी है कि एकेडमी में भी जो अगर हमारे पास क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड अगर हमारे पास लेडीज़ टीचर्स मिलते हैं तो वो मिलें, बच्चियाँ हमारी यहाँ से कहीं ना जाएं। जो सिर्फ बाहर से डे बोर्डिंग वाले बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ क्लास करके घर जाना है, वो बच्चे बाहर से आ सकते हैं। रेजिडेंशियल बच्चों को सारी फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह इसी कैंपस में मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास अभी जो हमने क्लासेस स्टार्ट करी हैं वो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और 12th पास बच्चों के लिए नीट और जेई की हमने क्लासेस, प्लस जो एकेडमिक्स बच्चे हैं उनके लिए हमने स्टार्ट किया है। 9th, 10th के बच्चे अपना फाउंडेशन माशाल्लाह यहाँ पे रख सकते हैं। अभी हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो हमारा नीट और जेई हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इरादा है, क्योंकि कैंपसेज अब बड़े बन रहे हैं तो हमारा इरादा है कि हम दूसरे कोर्सेज में भी, जैसा लॉ का हमारा कोर्सेज है, इवन अकाउंट्स का सेक्शन है। दूसरी बात ये जो अभी तक पूरे ओखला में किसी ने नहीं किया है, अगर किया है तो उस मैार पर नहीं किया है, जो हमारे जॉब्स ओरिएंटेड हैं, 10th के बाद जॉब्स हैं, 12th के बाद जॉब्स हैं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स हैं, वो पूरा सेगमेंट अभी हमारी कम्युनिटी से कह लीजिए या ओखला से जामिया के इलाके से जो बचा हुआ है उसका भी हमारा करने का इरादा है, और उसको भी हम रेजिडेंशियल करने का, कि अगर कुछ बच्चे बाहर से आके एसएससीज के लिए, सीजीएल के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम वो भी देने की कोशिश करें। नवाज साहब, आमतौर पे जो वालदैन है अभी अपनी बच्चियों को जब वो कहीं भेजते हैं तो उनकी सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं वो, तो आप कैसे गार्जियन को इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह आपकी बच्ची जो हमारे पास आ रही है बिल्कुल सेफ है? हाँ, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने खुद ही इंटरव्यू में कहा, अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि नूर नवाज़ हैं, इनको सब जानते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ अल्लाह का शुक्र कि ओखला के अंदर 27 साल का मेरा सफ़र है कि मेरे इंस्टीट्यूशंस में दो सेंटर माशाल्लाह स्टडी पॉइंट और ये पांचवा हिंद गुरु का तीसरा सेंटर, यानी टोटल 5 सेंटर हैं, तो मैंने अपनी उसमें ये कोशिश करी है कि बच्चियाँ और स्पेशली बच्चे भी उन सेंटर्स पर महफूज रहें, और मैंने गार्जियन से भी यही कहा है, बच्चियों से भी यही कहा है, बच्चों से भी ये कहा है कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ये नहीं है कि आप बिल्डिंग के अंदर हैं, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक मैं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि गार्जियनशिप करूँ, और स्टाफ से भी ये साफ साफ कहता हूँ मैं कि भाई
बाद में फ़ोन पेरेंट्स को किया जाए अगर किसी बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है या उसने मिसकंडक्ट किया है, मिसबिहेव किया है, इंस्टीट्यूट के अंदर हम उसके वालदेन हैं, हम उसके गार्जियन हैं, तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करो, मैं अपने बच्चे की काउंसलिंग करने की कोशिश करूँगा, उसको नर्चर करने की, उसको मोल्ड करने की कोशिश करूँगा। खुदा ना खास्ता नहीं होता है तब हम गार्जियंस को बुलाने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल का रिकॉर्ड यही रहा है कि मैं अपनी औलाद से ज़्यादा उस माहौल को चाहता हूँ, और इसीलिए माहौल भी चाहता हूँ सड़कों पर, गलियों में, कि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को वो इन्हीं गलियों में खेलेंगे, कूदेंगे, बाहर निकलेंगे, तो अल्लाह करे मैं अपनी तरफ से उनको वो सेफ़ और सिक्योर माहौल दे पाऊँ कि मेरे बच्चे महफूज तरीके से इन गलियों में चल सकें, रह सकें। तो मेरी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चियाँ महफूज रहें, सेफ़ रहें, सिक्योर रहें, और इतनी बोल्ड और इतनी माशाल्लाह से मजबूत बन सकें कि वो इस दुनिया को फेस कर सकें। नवाज साहब, इस्लाम मस्जिद के पास जोगाबाई में यहाँ पे बटला हाउस में स्पेशल ये कैंपस बनाने की कोई ख़ास वजह, आपके टारगेट जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन है? असल में क्या है, देखिए सबसे बड़ा मसला ये रहता है कि बटला हाउस जाकिर नगर की हम बात करें, ये ओखला का, जब अब पूरा इतना बड़ा ओखला की बात कर ली, न्यू दिल्ली 25 का एक बड़ी कॉलोनी है, लेकिन इस कॉलोनी का मैं ये समझता हूँ शायद 65-70% जो तबका है, जो पॉपुलेशन है, वो शायद जाकिर नगर, बटला हाउस और जोगाबाई में ही रहती है, बहुत डेंस और कंजस्टेड पॉपुलेशन। और जब एग्ज़िट की बात करते हैं, या तो बटला हाउस कब्रिस्तान के पास से एग्ज़िट होती है, या फिर आपकी जो वेस्ट जाकिर नगर है उससे होती है एग्ज़िट होती है, तो ये बहुत डेंस है। अगर बच्चा स्कूल से आने, पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, साउथ दिल्ली जाते हैं, वहाँ से आते हैं, तो 3:30 बज जाते हैं, अंदर पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है, गाड़ियाँ नहीं आती हैं, रिक्शा से चलना मुश्किल है, पैदल भी कभी कभी चलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर यहाँ से बच्चा निकल के जो मेरे अपने ही इदारे तिकोना पार्क पे हैं या अबुल फजल में है, तो वहाँ तक जाने में उस बच्चे को 30-40 मिनट लगते हैं। तो जब मैंने ये कैंपस बनाया, अक्सर ये हुआ है मेरे साथ कि लोगों ने मुझे, या ये कह लीजिए सभी के साथ होता है, कि पुश करने की जगह पुल किया कि वहाँ चलेगा ही नहीं, वहाँ होगा ही नहीं, कहाँ बना रहे हो, वहाँ क्या होगा, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, वहाँ उन्हीं बच्चों को कर दिया जाएगा माशाल्लाह, स्पेशली जाकिर नगर, बटलाव, जोगाबाई के लिए, तो ये उनके लिए एक सेफ़, सिक्योर और एक कंफर्टेबल होगा। अभी जैसे एक गार्जियन मुझे मिले कि भाई मैं सिर्फ यहाँ से 2 गली दूर रहता हूँ, अगर मेरी बच्ची अबुल फजल जा रही थी तो उसे वो थोड़ा सा टाइम लग रहा था, ये आपका शुक्रिया आपने यहाँ खोल दिया। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे यहाँ लोकेलिटी में रहते हैं, उनको वही टीम। दूसरी बात ये है, ये हाँ अभी तक हमने 3 कैंपस बनाए, और तीनों कैंपस को, जो कि बहुत बर्डन पड़ता है एकेडमी के लिए कि वहीं की इंडिपेंडेंट टीम देना, तो इस कैंपस की पूरी टीम इंडिपेंडेंट है, इन लोगों को अबुल फजल नहीं जाना पड़ता है, यहाँ का जो एडमिन स्टाफ है वो सिर्फ यहीं के लिए है, जो टीचिंग स्टाफ है वो यहीं के लिए है, जो क्लीनिंग का स्टाफ है वो सिर्फ यहीं के लिए है। तो इंडिपेंडेंट टीम हमने दी है कि बच्चों को 24 घंटे माशाल्लाह मिल सकें, चाहे क्लास में एक ही बच्चा है लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से वो सारे के सारे टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। तो ये पहली बात तो ये कि जो यहाँ के बच्चे हैं लोकल के, दूसरी बात है अगर बाहर का कोई रेजिडेंशियल बच्चा आना चाहता है तो उसको एक सेफ़ सिक्योर इन्वायरमेंट मिल सके, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कैंपस को बनाया। आखिरी सवाल, मैं 97 में एमयू से आया था, उसके बाद हम लोग एक जगह साथ ही रहा करते थे, नज़दीक थे, फिर मैंने आपको वहाँ देखा कैसे आपने कोचिंग की शुरुआत की, तो हम लोग खाने पीने के लिए सिर्फ मोनिस कदा पे डिपेंड थे। बिल्कुल, उस ज़माने में किताब की 2 दुकानें थी, वो वही 2 दुकानें आज भी हैं। मोनिस कदा के बाद आपने भी कहा अभी तखीर में, खुरमा की, निहारी की, बिरयानी की सैकड़ों दुकानें खुल गई, किताब की दुकान 2 की 2 ही है, तो आखिर कौन जिम्मेदार है, क्यों ऐसा हो रहा है? बस इसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, नूर नवाज़ खान। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मैं किसी को क्यों कहूँ, आप एक उंगली उठाइए किसी की भी तरफ को, ये 3 उंगलियाँ आपकी तरफ इशारा करती हैं, तो मैं किसी और की ना कह के मैं अपने आप को कहना चाहता हूँ, और मैं सीधी सी बात कहता हूँ, और ये सब के लिए, अगर कोई महसूस करना चाहे तो जो हर उस शख्स के लिए कि इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। हम हर चीज़ में कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन तालीम की अगर हम बात करते हैं, मेयार की अगर बात करते हैं, समाज को बनाने की बात करते हैं, बहुत सारा फिर लंबी तकरीर हो जाती है कि मैं हमेशा अपनी एक चीज़ में कहता हूँ कि लर्न, अर्न और रिटर्न। आप लर्न करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, कुछ भी करें, चाहे वो तालीम लें, तरबियत लें, ट्रेनिंग लें, कुछ भी लें, फिर उसी के बिहाफ पे आप अर्न करते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में रिटर्न वाला पार्ट सबका मिसिंग है। तो आपने कौम को क्या दिया, आपने मुल्क को क्या दिया, आपने इंसानियत को क्या दिया, यह आपको सुबह से शाम तक अपना मुआवजा करना पड़ेगा। तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, और मैं उसमें जो कर सकता हूँ उसकी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप तभी बनेंगे जब हम हर कोई कुछ ना कुछ रात को सोते वक्त ये सोच के सोए कि अल्लाह तेरा शुक्र है आज का दिन भी मेरा कामयाब रहा कि मैं ये पार्ट अपना कंट्रीब्यूट कर पाया। तो मैं सीधा सा कह रहा हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये थे नूर नवाज़ खान, आप सब जानते हैं ओखला में एजुकेशन
इन्होंने वाकई में एजुकेशन में बहुत काम किया है। मैं पिछले 25-26 सालों से खुद भी इनको देख रहा हूँ, एजुकेशन में वाकई में इनका बहुत काम है। एक मामूली से रूम में ये पढ़ाते थे, फिर उसके बाद बेहतरीन सेंटर, कई जगह सेंटर, दिल्ली से बाहर भी इनके कई सेंटर खुल चुके हैं, और ये वाला सेंटर इन्होंने खुला है अपने आप में वाकई में खास है। चूँकि बहुत से गार्जियन इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि हमारी बच्चियों की सेफ्टी का क्या होगा, तो जो लोग भी अपनी बच्चियों को बेहतर तालीम दिलाना चाहते हैं वो आइए इस सेंटर का दौरा कीजिए। अगर आपको सेटिस्फेक्शन होता है यहाँ दौरा करने के बाद, तो अपनी बच्चियों को यहाँ दाखिल करवाइए।